हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं वर्तमान में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के पद पर भोपाल एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। 2017 में मेरी ज्वाइनिंग भोपाल एयरपोर्ट्स पर हुई थी। इससे पहले मैंने 6 महीने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें 5 महीने 20 दिन तक अपना योगदान दिया। वहाँ पर मैं असिस्टेंट टेक्निकल इंजीनियर के पद पर तैनात था। पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर मैं बता दूँ आपको कि मैंने 2010 से 2014 के बीच में ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर से बीटेक किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 2014 से 2016 के बीच में एमटेक किया है मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जिसे बाद में अभी आईआईटी आईएसएम धनबाद बोलते हैं। धनबाद में मेरा स्पेशलाइजेशन था मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी की एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है, जो कि अभी हमारे मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। तो मैं बताऊं इसका सिलेक्शन और इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, नोटिफिकेशन कब आता है, जॉब प्रोफाइल और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। 2015 में इसका एडवर्टीज़मेंट निकला था, उसमें मल्टी कैडर्स वैकेंसियाँ थी जिसमें कि जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस, सभी में जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है वो होती है E1 लेवल की, यानी कि आपकी एंट्री लेवल पोस्ट, जिसे बाकी अदर्स पीएसयूज में मैनेजमेंट ट्रेनी या इंजीनियर ट्रेनी भी कहा जाता है। 2015 जून के समय इसका एडवर्टीजमेंट निकला था। तब उस समय क्या था, पहले इसका एग्ज़ाम होना था अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर और नवंबर के अराउंड, लेकिन फिर एक बार डिले हो गया तो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2016 में, और गेट हमारा था 30 जनवरी 2016 को, और उससे जस्ट 15 दिन पहले AI का एग्ज़ाम हुआ था। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो अभी सिलेबस आएगा आपका, वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, सिलेबस पूरा गेट का रहता है, कम्प्लीटली गेट। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा, ये सभी स्ट्रीम्स के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो टेक्निकल हो या ऑपरेशंस हो या फायर हो या ATC CNS, सारे स्ट्रीम्स में 120 क्वेश्चन ही रहते हैं, बशर्ते सिलेबस सबका चेंज रहता है, अलग अलग रहता है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में गेट का सिलेबस रहता है 70% और 30% रहता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बहुत ही आसान होता है, 70% जो टेक्निकल सेक्शन रहता है उसमें आप मान के चलिए अराउंड 30% जो होता है वो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, और रेस्ट उसका 70% जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो चूँकि 16 जनवरी 2016 को एग्ज़ाम दिया था मैंने और मेरा सेंटर था कोलकाता में, तो हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, उस समय गेट की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसमें एटलीस्ट 15 से 20, इवन मोर देन दैट, 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट गेट के आते हैं। अगर आपने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर रखे हैं तो आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट, आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो सेम क्वेश्चन, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो आते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बेसिकली आपका बेसिक वो चेक करना चाहते हैं, बेसिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, खास तौर पे आपका सॉलिड मैकेनिक्स से रिलेटेड, थ्योरी ऑफ मशीन्स से रिलेटेड। आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, और मैथ्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेड इजी मैथमेटिक्स। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मेड इजी की मैथमेटिक्स के बाहर कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए, तो आई वुड सजेस्ट सभी एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेड इजी की मैथमेटिक्स बुक ही लें, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल बुक है, उसमें सारे ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चन बुकलेट, और बहुत यूज़फुल, मेरे को तो बहुत यूज़फुल लगी। आपको बता दूं कि मैंने कभी भी कोई भी कोचिंग नहीं ली, मेरी सारी प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन थी, चाहे वो गेट की हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हो। तो मैंने कभी भी कोचिंग नहीं ली, बट मैंने कुछ कुछ नोट्स प्रेफर किए हैं इधर उधर, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स और बहुत कुछ। तो मैं कह रहा था कि AI में इंटरव्यू का अभी कोई रोल नहीं है, जैसा कि 2017 के बाद से इसे स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ आपको रिटन में ही फोकस करना है, रिटन एग्ज़ाम निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो आपको सिर्फ गेट का सिलेबस जो है उसको फॉलो करना है, उसी के आधार पे आपको स्टडी रखनी है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और अपना बेसिक्स मजबूत रखना है। अगर मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट, एक्चुअली पोस्ट है टेक्निकल, बट यहाँ पर अगर हम लोग जो काम देखते हैं वो होता है ट्रांसपोर्ट का। एयरपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि फायर फाइटर जिसको ACFT बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर, ठीक है, एम्बुलेंसेज हो गई, उसके बाद ऑपरेशन जीप हो गई, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर व्हीकल्स, ठीक है। यू हैव टू प्रक्यूर देम, यू हैव टू डिस्पोज देम ऑफ, एंड देर आर लॉट ऑफ टेंडरिंग वर्क। ओके, सो बेसिकली इट इज़ मैनेजेरियल पोस्ट। तो मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी आइटम्स हो गए, मैकेनिकल रिलेटेड छोटे छोटे, जैसे रनवे के आसपास आप देखते हो जब भी फ्लाइंट लैंड होती है तो वहाँ पे पटाखे फूटते हैं, तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसे जोन गन डिवाइस बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये सब मशीनरी हो गई, ये सब इक्विपमेंट, ये सब खरीदना, बेसिकली प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोज ऑफ, दो चीज़ें हमारी होती हैं, खरीदना और बेचना। और सारे जो खरीदी होती है, प्रोक्योरमेंट होती है, वो पूरी जेम पोर्टल के माध्यम से की जाती है मैक्सिमम, या ई टेंडरिंग पर CPP पोर्टल के माध्यम से की जाती है। मैं आपको बताऊं अगर पर्क्स के बारे में, सैलरी के बारे में, और AI कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही हेल्दी पैकेज देता है। अभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें 12 लाख CTC बताया गया है, तो अगर मैं ब्रेकअप में बताऊं आपको, तो आपका 40,000 बेसिक रहेगा, उसके ऊपर करंट DA रेट 18.4% रहेगा, पर्क्स रहेगा 35%, एंड HRA रहेगा। जैसे मैं भोपाल में हूँ तो वो Y कैटेगरी ऑफ सिटी में आता है तो वो 16%, अदरवाइज़ आप दिल्ली मेट्रो सिटी में होंगे तो वहाँ पे 24%। तो इनिशियल लेवल पे आपकी ग्रॉस सैलरी जो होती है दैट विल बी अराउंड 70,000 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो आफ्टर डिडक्शन एंड स्टेटूटरी टैक्सेस आपको इन हैंड अराउंड 58,000 to 59,000 मिलता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। इसके अलावा अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और आपको क्वार्टरली एक 14-15 हज़ार रुपये मेडिकल का मिलता है। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म मिलती है, शूज़ का रिम्बर्समेंट मिलता है, एवरीथिंग इज़ रिम्बर्सेबल, डेंटल ट्रीटमेंट होता है, सभी मेडिकल में अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। तो इस मामले में AI का बहुत ही अच्छा प्रावधान है, जो भी हमारे सर्कुलर्स हैं और एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, तो बहुत ही अच्छा है AI का। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और किसी भी प्रकार की हेल्प हो तो आप लोग मेरे कोरा पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब दे दूँगा किसी भी तरीके की, रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पर्क्स और वॉट एवर इट इज़। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।